ना लग नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। अभी टाइम हो रहा है 8 AM और यहाँ से हम हमारा जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। आज का डेस्टिनेशन होगा कारू। ये जो होमस्टे है ना, यहाँ से इतनी खूबसूरत व्यू आ रही है। कल तो शाम हो गई थी इसीलिए ठीक से दिखा नहीं पाई। एकदम मेरे पीछे देखिए, वहाँ से वागा नदी बह रही है एंड इस तरफ भी स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, इस तरफ तो थोड़ा बहुत ग्लेशियर्स भी दिख रहे हैं एंड दिस साइड इधर भी देखिए सारे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इस रूम से। हमने तो सनराइज़ होते हुए देखा बेड पे सोते हुए, एकदम सामने से ही सनराइज हो रहा था। दैट इज़ आवर होम स्टे और इससे थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे इतना बड़ा सा एक झरना है, जिसमें पानी का फ्लो देखिए। और ये रास्ते के उस पार होते हुए वहाँ पे जाके भागा रिवर पे मर्ज हो रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा। आज हमारा डेस्टिनेशन है जिस्पा टू उपसी और कारू। जिस्पा से उपसी का डिस्टेंस है 287 किलोमीटर और 7.5 घंटा टाइम लगना चाहिए होपफुली। तो देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं। आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग सी जगह हम कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। नाउ वी आर क्रॉसिंग जिस्पा। बहुत सारी रहने की जगह मिल जाएगी आपको और मोस्टली दे आर टेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे टेंट्स हैं। होम स्टे मैंने एक दो ही देखे, होटल्स भी एक दो ही हैं, पर टेंट्स हैं बहुत सारे। अगर आप मनाली से आ रहे हो और ले जाने वाले हो, देन आई विल सजेस्ट कि आप पहले जिस्पा आए और जिस्पा पे वन नाइट स्टे करें, क्योंकि मनाली 8,000 फीट पे है और जिस्पा है 10,500 फीट पे। तो जिस्पा मनाली से काफ़ी ऊंचा है। जितने भी ऊंचे जगह पे आप रह सकते हो उतना आपका एक्मोटाइज अच्छे से होगा और उतना ए मिस होने का चांस घट जाएगा। इसीलिए जितना आगे तक हो सके आप उतना आगे तक जाके ही स्टे करें। देखिए यहाँ से बैरन माउंटेन्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं, मतलब इतना पेड़ पौधा भी नहीं है जितने भी माउंटेन्स हमें दिख रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारे साथ चल रही है भागा रिवर। ये सूरत ताल से निकल रही है और हम लोग आज सूरत ताल को भी देखेंगे रास्ते पे। आज का दिन बहुत ही इवेंटफुल होगा क्योंकि जिस पास उपसी तक का जो रास्ता है ना, इसके अंदर बहुत कुछ है देखने को। जिस्पा से उपसी तक का जो 287 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसके अंदर पहले तारचा आता है, उसके बाद दीपक ताल, देन सूरज ताल, बारलाचाला पास, सारचू, गाटा लूप्स, नकीला पास, पांग, मोड़े प्लेन्स, देबरिंग, तंगलंगला और फिर उपसी आता है। तो बहुत कुछ है देखने को। तो मे बी आज का वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया ये साइज़ में तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि नहीं तो बोर लगेगा देखने को। देखिए बहुत सारे लोग ना साइकिल से जा रहे हैं। आई मीन कैन यू इमेजिन, ये लोग 16,000-17,000 फीट की ऊंचाई साइकिल्स पे करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ना, थोड़ा ज़्यादा
चलने से सांस फूल जाता है और ये लोग यहाँ पे साइकिल्स पे जा रहे हैं। सामने ही हमारा दारचा पड़ेगा और दारचा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और वहाँ पे एक पुलिस चेक पोस्ट है। सारे व्हीकल्स को रोकना होता है और वो लोग नंबर एंट्री कर लेते हैं। दारचा के और एक ख़ास बात ये है, दारचा के जो ब्रिज है ना भागा रिवर के ऊपर, वो हिमाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज है, तो इसीलिए भी दारचा थोड़ा ख़ास है। कितने सारे बकरियां हैं, बहुत सारे, 100 से ऊपर होंगे इनके पास। एंड दिस इज दारचा ब्रिज, द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिस इज दारचा चेक पोस्ट जिसकी बात मैं कर रही थी। यहाँ पे हर बाइक को स्टॉप होना होता है। इसी पॉइंट से ये पादुम वाला रास्ता, करगिल वाला रास्ता कट रहा है और अगर इस तरफ से जाएंगे तो बालाचाला सारचू तंगलंगला पड़ेगा और करगिल पादुम बस इस रास्ते में पड़ेगा। बाइकर्स की ग्रुप है, देखिए कितने सारे मेंबर्स हैं, इनके तो मौज है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं एक साथ। दारचा चेक पोस्ट से थोड़ा आगे आके रुके थे और यहाँ पे ऑक्सीजन चेक किया ऑक्सीमीटर में, मेरा तो 82 आ रहा है और देवांजन का 86, तो बहुत कम ऑक्सीजन से चलाना पड़ रहा है। जो बाइक हमने देखे थे ना वो अभी जा रहे हैं पीछे से, सो चलिए लेट्स गो। यहाँ का पहाड़ का फॉर्मेशन ही कुछ अलग है, देख के ही लग रहा है कि एक अलग जोन में जा रहे हैं हम लोग। जितना आगे तक हम जाएंगे उतना बैरन माउंटेन्स हमको मिलेंगे, ट्री लाइंस दिखना बंद हो गए हैं, तो यहाँ पे कोई बड़े पेड़ हमें नहीं मिलेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट 12,000 फीट के आसपास में हैं, तो काफ़ी ऊंचाई पे हैं हम लोग अभी। इन लोगों को हैट्स ऑफ जो साइकिल्स से जा रहे हैं। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकती हूँ कितना टफ होता होगा इस रास्ते से पहाड़ चढ़ना, पासेस क्रॉस करना साइकिल्स पे। यहाँ से देखिए एकदम नीचे भागा रिवर को, यहाँ पे थोड़ा खराब रास्ता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो शायद कुछ दिनों में ये भी एकदम पीच की रास्ता बन जाएगी। बहुत थोड़ा सा ही है। दिस इज द फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग ऑफ आवर लद्दाख सीरीज। इसका पानी बर्फ ठंडा है, मेरे जूते में आके लगा है, मेरा पैर जम चुका है एकदम। मेरे पीछे जो आप टर्कोइश ब्लू कलर का लेक देख रहे हो, दिस इज दीपक ताल और इसका शेप दीपक की शेप की जैसा है, इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है। ये एक ग्लेशियर लेक है और इसका एलिवेशन है 12,300 फीट। This place is called Patsio. नाम बहुत प्यारा है इसका। और देखिए यहाँ से तो ये बैरन माउंटेन से एकदम ही स्टार्ट हो गया है। पहले माउंटेन से थोड़ा बहुत ग्रास था पर यहाँ से वो भी नहीं दिख रहे हैं। देखिए कहाँ से झरने निकल रहे हैं, ऊपर सारे बर्फ़ है, वहाँ पे ग्लेशियर होंगे वहाँ से।
और पत्सियों में दो तीन ढाबे भी हैं, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो। कितना बड़ा ग्लेशियर देखिए यहाँ पे, और लोग ग्लेशियर के ऊपर उठ के जंप कर रहे हैं। अगर एवलेंज हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज द सेकेंड वाटर क्रॉसिंग ऑफ लद्दाख जर्नी। अरे ये वाला थोड़ा लंबा है। ये वाला वाटर क्रॉसिंग ना बहुत ही लंबा है और फोर्स भी ज़्यादा है, तो मैं तो उतर गई हूँ। देखिए गाड़ियाँ कैसे जा रही है इसके अंदर से। थैंक यू। वो भैया ने हेल्प कर दी, वरना वहाँ से निकलना मुश्किल था। सांस भी फूल रहा है। जिंगजिंगबार एक्चुअली एक ढाबा है, और यहाँ से ही बारलाचला के जो क्लाइम है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम बारलाचला के क्लाइम करेंगे और बारलाचला पास क्रॉस करेंगे। एंड टर्न देखिए, एकदम शार्प टर्न है सारे। जिंगजिंगबार जो है ना, वो एक लैंडमार्क है। यहाँ से ही बारलाचला पास का जो क्लाइंबिंग है वो स्टार्ट होती है। तो अभी हम लोग ये बारलाचला पास तक पहुँचेंगे क्लाइंब करके, एंड देन उसको क्रॉस करेंगे। लेट्स गो। इस साल जून महीने में भी स्नोफॉल हुई है। देखिए एकदम स्नोई स्नोई माउंटेन्स हैं। देखिए यहाँ पे स्नो वॉल बन गया है पूरा। ये कम से कम 15 फुट ऊंचा होगा। यहाँ पे और एक वाटर क्रॉसिंग है। दिस इज़ द थर्ड वाटर क्रॉसिंग ऑफ टुडे। बहुत पानी है इस वाले में, एकदम ही डूब जा रहे हैं। देखिए ये वाला बहुत ही डीप था, तो चलते हैं। मैं भी
पानी के अंदर से। पैर तो भीगने वाले हैं, कुछ नहीं कर सकते। फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, इट इज लिटरली फ्रीजिंग कोल्ड। और ना पानी का फोर्स भी बहुत है, पैर ना टिक नहीं पा रहे हैं इसके अंदर। ये गाड़ी फंस गया है इधर, ये फंस चुका है, इसको धकेलना होगा अभी। मैं लिटरली चल नहीं पा रही हूँ, पैर जम गया है पूरा मेरा, मैं चल नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कब तक जूता सूखेगा। बस 6 किलोमीटर रह गया है यहाँ से बाड़ला चाला। देखिए ये सारे जो वॉल बने हुए हैं, स्नो वॉल, ये इस साल तो नहीं पिघलने वाले हैं, क्योंकि इतना मोटा बर्फ का वॉल नहीं पिघलेगा इस साल। चलिए बाड़ला चला पहुँचते हैं और आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। और उससे पहले सूरज ताल पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, तो मिलते हैं सूरज ताल पे। दिस इज सूरज ताल, इसके ऊपर एक ग्लेशियर से ही वागा रिवर का स्टार्ट होता है। दिस इज सूरज ताल जो अभी भी पार्शियली फ्रोजन है। ये 3rd हाईएस्ट लेक है इंडिया की और वर्ल्ड की 21st हाईएस्ट लेक है। यहाँ से ही वागा रिवर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे थोड़ा जैम हो गया है क्योंकि एक गाड़ी को टो करके लेके जा रहे हैं, टो करके नहीं एकदम उठा के ही लेके जा रहे हैं, शायद ये खराब हो गया है। और बहुत सारे बाइक्स उस तरफ से आ रहे हैं अभी। This is Baadla Chala top. Presently I am in Baadla Chala pass, जो कि 16,040 feet की ऊंचाई पे है। और ये एक हाई माउंटेन पास है जो कि छंसकर रेंज के अंदर आता है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति वैली के साथ लद्दाख को यही पास कनेक्ट करता है। और ये पास बहुत खूबसूरत है। ये ना बहुत ही पत्थर से भरा हुआ है, इसी वजह से हम लोग गिर गए हैं। वैसे मुझे तो लगा नहीं है, पता नहीं देवंजन को कितना लगा होगा।
ये सारे पानी ना ये बर्फ़ मेल्ट होके आ रही है। इस बार तो मैं उतर गई हूँ ताकि उसे पास करने में आसानी हो। ज़्यादा लोड रहने से ना बाइक स्टक होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। वैसे राइडिंग गियर्स पहने हुए हैं हम दोनों ही, ज़्यादा चोट लगनी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और देवांजन को थोड़ा बहुत पैर में लगा होगा क्योंकि उसका पैर स्टक हो गया था। ये भैया ने बहुत हेल्प किया। ये और एक वाटर क्रॉसिंग है। बरलाचला पास से सरचू तक का रास्ते में बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग भी हैं और रास्ता भी ख़राब है। बरलाचला पास से सरचू तक का रास्ता ऐसे ही ख़राब मिलने वाले हैं। उसके बाद से ही सरचू से पांग तक थोड़ा बहुत ख़राब है और पांग से एकदम हमें अच्छा रास्ता मिलने वाला है। ये एक लोडेड गाड़ी जा रही है। रास्ता चाहे जितना ही भी ख़राब हो, व्यू बहुत खूबसूरत है। आधा वाटर क्रॉसिंग आके मैं रुक चुकी हूँ ताकि उसको आसानी हो इसको क्रॉस करने में और स्टक ना हो जाए। फिर भी लग रहा है कि स्टक हो गया है। मुझे भी जाना है। ये लोग साइड ही नहीं दे रहे, फिर हॉर्न मारते हुए हमें आगे आना पड़ा। इधर देखिए एकदम बर्फ जम के कैसा लग रहा है। पांग 88 किलोमीटर यहाँ से हैं। आई थिंक इसी पॉइंट से ही हिमाचल प्रदेश ख़त्म हो रहा है और लद्दाख रीजन स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ सरचू चेक पोस्ट और यहाँ से हम लद्दाख रीजन में इंटर कर चुके हैं। सरचू एक्चुअली ना बॉर्डर पे स्थित है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के, और ये 14,000 फीट की ऊंचाई पे है। तो फाइनली हम लोग लद्दाख रीजन में एंटर कर चुके हैं। सामने किसी ढाबे पे हम लोग रुकेंगे और एक साथ ब्रंच करेंगे, कुछ सॉलिड फूड खाएंगे क्योंकि सामने हमारे लिए बहुत ही लंबा रास्ता बाकी है। आगे सरचू ब्रिज है और उसके भी आगे जाके ढाबा मिलेंगे, उस पर रुकना है हमें।
ऊपसी 203 किलोमीटर है यहाँ से, और ये एक चेक पोस्ट है। ये एक्चुअली लद्दाख रीजन का चेक पोस्ट है और वो हिमाचल रीजन का चेक पोस्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रक्स खड़े होके पता नहीं क्या कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं। एक दाल चावल और एक ब्रेड ऑमलेट हमने ऑर्डर किया है, तो यहाँ से खा के निकल जाएंगे। और प्रोबेबली ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं इसको दो एपिसोड में डिवाइड करूँगी। तो इस लंच के साथ आज के दिन का पार्ट वन वीडियो मैं ख़त्म करने वाली हूँ, और यहाँ से आगे तक का जर्नी एक नए एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हमने एक ब्रेड ऑमलेट, एक दाल चावल और एक पानी का बोतल लिया है, और उसका मिला है 230 रुपीज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम लद्दाख सीरीज़। टिल देन टाटा, टेक केयर।